कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल स्तरीय रवि उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा ने कहा कि कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। कृषकों की आय दुगनी करने के लिए सभी उपायों यथा कृषि विविधीकरण, कृषि यंत्रीकरण, नवीन वैज्ञानिक पद्धतियों आदि को अपनाना होगा तथा मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कृषक करें, जिससे मृदा स्वास्थ्य सुधार के साथ साथ अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि कृषकों की आय में वृद्धि के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में आवश्यक है कि समय से गेहूं की बुआई की जाए ताकि फसल हवा से गिरने ना पाए और उत्पादकता प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की जमाखोरी, कालाबाजारी ना होने पाए, अधिकारी निरंतर निगरानी रखें तथा पकड़े जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव कृषि दिवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कृषकों को उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो और पराली जलाने से होने वाले नुकसानों के विषय में आम जन को जागरूक किया जाए। पराली प्रबंधन आवश्यक है, पराली जलाना दंडनीय अपराध है। इस मौके पर मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने बताया कि मंडल में रबी वर्ष 2020-21 में 25 लाख मीट्रिक टन रबी फसलों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उर्वरक की कोई समस्या नहीं है, पराली प्रबंधन का अनुपालन कराया जा रहा है। मंडल में कुल 442 धान क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं तथा क्रय केंद्रों पर कृषकों के बैठने, छाया, पीने का पानी, बोरों की उपलब्धता, इलेक्ट्रॉनिक काटा, नमी मापक यंत्र, छन्ना, पंखा आदि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि क्रय केंद्र नियमित रूप से खुलें और किसानों का धान सीधे किसानों से खरीदा जाए और 72 घंटे के अंदर उसका भुगतान किसान के खाते में कर दिया जाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी केवीएन पांड्यन ने कहा कि रबी फसल की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद में कुल 130 धान क्रय केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। उर्वरक बीज की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जैसा कि कृषक बंधन है वो बताएंगे अभी कि इस समय टैगिंग की योजना चल रही है, सारे पशुओं को टैगिंग कराया जा रहा है पूरे प्रदेश में, तो वहाँ योजना भी चल रही है और इसको पूरी क्षमता से चलाया जा रहा है। तो पशुपालन के आप एक चीज ध्यान रखना है कि पशुओं में हमारे यहाँ जो बहुत सारे दूध उत्पादन, आप जानते हैं कि पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन हमारे देश में होता है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन हमारे प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन में हम नंबर एक है प्रदेश में, देश में। तो लेकिन हमारा दूध जो है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं और अन्य भी कंटेमिनेटेड होता है कि वो इम्पोर्ट क्वालिटी का विदेशों में हमारा मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई नहीं हो पा रहा है। जो कि धोखा है, अब उसी का बीज को इस किसान लोगों से भी चाहते हैं सर। और मंडल में मुख्य रूप से सर जो समस्या है सर, इसमें सुझाव है जैसे कि बलरामपुर पे है सर, एक रैक पॉइंट की आवश्यकता है। हमारा रैक पॉइंट बलरामपुर में बन गया सर, अगर हम खाद वगैरह पहुंच नहीं पा रहा सर, हम ये चाहते हैं सर रवि से ही इसको खाद की आपूर्ति सीधा बलरामपुर तक इसको पहुँचा गया। अदरवाइज इसमें बोलना चाहिए उनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है सर, मगर वहाँ ऑलरेडी रैक पॉइंट बन गए हैं। मगर इसमें मक्का का क्रय केंद्र है, अभी तक किसी ने क्रय केंद्र उपलब्ध नहीं है सर किसानों को अपना मक्का का फसल बेचने के लिए। तो किसानों से किसानों का डिमांड है सर मंडल में जहाँ उसे सभी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मक्का क्रय केंद्र है इसको खुलवाना चाहिए सर। इसमें 1750 रुपये तक है क्विंटल पर क्विंटल डिमांड है सर इसी को। अब इसमें विगत 4 वर्षों से एक बार एक चल रहा है सर। अब इसी तरह से जो कृषि निदेशक शरारती कपा भी पिछले जो कृषि रक्षा अधिकारी गोंडा का भी है सर, पिछले 4 वर्षों से एक बार चल रहा है सर। हम तो जैसा इसमें जो है जैसे में अधिकारियों को इसको पोस्टिंग कराना है जैसा ऐसे उसे प्राप्त करेंगे सर। और मंडल के बारे में मुख्य बिंदु ये भी है सर, बाकी सभी ठीक है सर, बाकी किसानों को भी जागरूकता वगैरह भी इसमें चला रहा है सर इसमें। और मुख्य रूप से हमारा जो आज के दिन में जो मुद्दा है सर, जो घरेलू जलाने वाला है मंडल में है, तो अभी तक आज के तक है बड़ा स्थिति में भी कहीं कोई समस्या है ना सर। थैंक यू। इससे पहले डीएम के पास जाए, मैं सभी से बता देना चाहता हूँ क्योंकि बार बार हर जिला अधिकारी ये बात कहेगा, पीएम कुसुम में हमें मालूम है
पूरे प्रदेश में जो टारगेट था 8,000 का, उसके सापेक्ष जुलाई उन्होंने शुरू किया है प्रीमियर का जो है रोड प्रीमियर अच्छा कर रही है, किसी 16x है उसने अभी नहीं शुरू किया। उसका नतीजा ये है कि अभी तक हम लोग बहुत मुश्किल से 1,000 पंप और उनका वो जो है पहुँचा पाए हैं। अभी हम लोग क्योंकि आपके पूरे में जो गारंटी इसलिए है क्योंकि गरीब कल्याण योजना में हमने ऊपर में पंप लगाने थे तो हम तेजी से कर रहे हैं। ये है दिक्कत, हम लोग भी कष्ट में है इसके लिए कि किसानों का कर्ज लेने के पश्चात कंपनियां जो है प्रोड्यूस करके उतना मैन्युफैक्चरिंग नहीं करा पाई, जो एक जिसको भारत सरकार नीतिगत निर्णय लेके उसको और कंपनियां देने के लिए अनुमति देने का कार्य कर रही है। जब वो आ जाएगी तो तेजी से काम चलेगा, लेकिन फिलहाल हम पीछे पड़े हैं कि मैक्सिमम आ जाए, थोड़ा धैर्य रखना होगा। और ये दिक्कत पूरे प्रदेश में है और आपके सारे मंडल में होगी, ये हम जानते हैं और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे जितनी जल्दी से जाए तो किस इशू को हम जानते हैं इसलिए उसको एक बार कमिश्नर सामने उठा दिया तो उसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोग के संज्ञान में है। अब ले लें डीएम गोंडा अगर कुछ ऐड करना चाहें।